सिंधु पाथी देश ने आवे हैं और कहीं परचा देवे हर कहीं बात गुंजावे हैं। अरे हो या लिख रहा देवी सिंधु दिसाई भद्रीराय की।
तो सातो संख्या आकड़ो समद भूखा और जब देश में आवे जठे आज देख धाम है ओ गांव पिड़िया और गांव है भाखल सिंह जी पिड़िया बारे भैंसो में एक भैंसो हो और सच्चों वे भैंसे रो भक्षण करियो और भाई भैरू यानी खेतल ने कहो कोई आवे तो कहीं मत ही और जही के वालो आर भाई खेतल ने पूछे भैरू ने पूछे के भाई मारो पार्टी देखियो के की पार्टी री बात कर है एक पार्टी ने मारी बहनों खा गई। अब गेवालो जार सच्चे ने पूछो थे मारो पाड़ी खा गई। अरे गेला मैं पाड़ी खाओ जड़ी लागो था खा ली जगंदा अपनी ओडनी लोड़ी बना दी अरबे मिट्टी रा चावल बना दिया क्यों सच्ची उई टेम आवड़ रे मुख बचन निकले है और भाई भैरू ने खेतल ने कहवे के जा पैणा पीड़ा तो सजनो उई दिन वो पैणो नाग पैदा हो जावे ओ नौकुली नागो नारो है मां आवड़ी ने उपायो है सात बहनो एक ही भाई और भाई ने पैणो पी गयो तो भाई रा प्राण बचाना जरूरी है तो आवड़ सकती जार सूर्य प्रार्थना करी हे सूर्य दे आओ थे थोड़ा मोड़ा उठ जो क्यों थारी किरण पड़ियो पचे पैणो नाग पीड़ो बंचे को सूर्य के अड़े कई बेन आवे मंद के ना कहरो कहरो कहनो मन हूं तो मारो उठ तो जग टाइम ने तो आउट शक्ति सूर्य राडी आपरी लोड़ी दे पीलो बदल करायो और खोड़ियाल शक्ति इमे को पोला और भाई खेतल ने पायो और भाई खेतल का प्राण बचाया तो आउट शक्ति रे बचनो ओ पेणो नाग पैदा हो गयो लारे बात चलती शिव शक्ति री अपन दक्षिण उठायो जो शिव शक्ति री बात चलती तो शक्ति ओ पेणो नाग उत्पन्न करियो तो शक्ति हम के ई पेणे नाग रो ना तो कोई जाड़ो है ना कोई दूसरो उपाय है तो जार डोकरे ने कहवे शंकर भगवान ने कोई कहवे अरे सगति रे जायु शंकर ने कहो
बोले शंकर भगवान की, बोले शक्ति माता की। तो शक्ति जार शंकर ने कहो, हे डोकरा मारे बचनों एक पैणो नाग पैदा हो गयो, ईरो ना तो कोई जाड़ो है ना कोई उपाय है, तो नहीं धरती माथे जानो पड़ी। तो शंकर भगवान निरंजन रूप में इधरा माते आवे है। अठी नु काई माधव सिंह सोलंकी पुष्कर नावन जावे, काई निरंजन बाबा मिल जावे, काई बात अरे माधव सिंह जी मतो उपायो, ए दी बाबा पुष्कर नावन जाय रे। Oh, oh, oh.
बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सती मात की, बोले निरंजन निराकार की। तो शंकर भगवान निरंजन रूप में ई धरती माते आवे है। माधव सिंह सोलंकी पुष्कर नावने गीड़ा बटे निरंजन बाबू मिल जावे। तो माधव सिंह प्रार्थना करी, हे जोगेश्वर एकर मोरे मगरे धरती में आर मार, धरती पवित्र कर दो। तो दक्षिण धरा सुनायो जोगी सर उतर धरा ने जाए। भाद्रवेरे महीने नरेंद्र बाबो मगरे में सोन खेरी ढोनी आवे और अठिन उतर आदू बरसात चालू हो जावे। तो बाबो भिंजन लागे और कहीं सोन खेरी ढोनी जावे और कहीं बातों अरे छोड़ी रे भिजे बाबा कमंडल भिजे हे जी बाबा भिज तरे वासी Thank you.
बोले शंकर भगवान की, बोले श्री रावण मात की, बोले नरेंद्र निराकार की। तो नरेंद्र बाबू सोल खेल ढोनी आया उई टेम रानी भिड़क मन गाया दूता बाबे ने देख कर गाया भिड़की जन रानी सके अबड़ा बोलिया के माथे पड़े स्वामी बिजली खावे थे नो कालो नाग तू के मन क्या खावे खावे धर जाई दो ने के मार दो तो खावे कोई खावे। तो नरेंद्र बाबे ने बोल भी सरा पूरो करनो हो और पाछा सोलिंगन ढाणी में आवे है कवाड़ में दोनों दुकावे है बारह महीने तक पुशकरी और माधव सिंह कहो हे नरेंद्र बाबा मारे गोमद रे आस औलाद बोली इति तृष्णा तो आप ही भेट गो। तो नरेंद्र बाबू धुणे मु बबूती देवे और केवे जा नवे महीने पुत्र जलम सिंह नाम बबू तो धरायो कसी धरती में अमर नाव जनके एक पुत्र रो पुत्र एक पूत में पूत कोनी एक आंख में आंख कोनी। तो नरेंद्र बाबू प्रसन्न और कहे के जा दो लड़का बड़े जलन में शेर सिंह और नरपर सिंह नौरा और चौथी सिंगारो बहन आवण कुमारो करे नहीं। तो पैण और रुखाड़ी कई दिन नरेंद्र निराकार करी पर नरेंद्र बाबू बूढ़ा होया जाने आप खुद अवतार ले बहुता पैण रुखाड़ी वास्ते भेजिया और बहुत सिंह दादू कहीं बूढ़ा होया जाने नगद बदन भेजिया ओ पैणो नाग आउट शक्ति उपाय हो और नवकुली नागों नारो है। बोली श्री आवड़ माता की जय हो।